अगर कैमरे के सामने मैं जाता तो यहाँ तक नहीं आना चाहिए, कैमरे के बाहर रहना चाहिए, तब हम समाज के लिए देश के लिए कुछ कर पाएंगे। जो लोग कैमरे के सामने बार बार खड़े हो जाते हैं उससे समाज और देश का काम सही नहीं होगा। अब आगे से पैम किरण बेदी जी, जनरल साहब, आए हुए मेहमान, गांव के सभी भाई बहन, छात्र, मीडिया के सभी भाई बहन, खुशी की बात आपने सुनी है। कल राज्यसभा में लोकपाल बिल पास हो गया था और आज लोकसभा में, राज्यसभा में कल पास हो गया, आज लोकसभा में रखा गया। और खुशी की बात यह है कि लोकसभा में भी वो पास हो गया। सबसे पहले कई लोगों ने धन्यवाद किया है, मैं भी रालीगंज सिद्धि परिवार और देश की जनता की तरफ से सेलेक्ट कमेटी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो बिल लोकसभा में पहले आया था वो बिल जो कमजोर था राज्य समिति में जाने के बाद जब सेलेक्ट कमेटी बनाई गई और सेलेक्ट कमेटी ने इसमें जो सुधार लाया वो जनता की जो अपेक्षा थी, देश की जनता जो चाहती थी उसके मुताबिक सेलेक्ट कमेटी ने वो बिल बनाया और फिर बाद में वो लोकसभा में गया और आज लोकसभा में पास हो गया। मैं देश की जनता की तरफ से, रालीगंज सिद्धि परिवार की तरफ से, राज्यसभा लोकसभा के समाजवादी छोड़कर सभी सांसदों के लिए हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं कि देश के लिए एक अच्छा कदम आपने बढ़ाया है। आजादी के 66 साल में भ्रष्टाचार को ब्रेक लगाने वाला एक सशक्त कानून पहली बार आज देश में बनने जा रहा है और उसमें राज्यसभा और लोकसभा में जो मान्यता दी है, मैं पहले भी इसको जो दोहरा है, 100% भ्रष्टाचार कम नहीं होगा लेकिन कम से कम 40-50% भ्रष्टाचार को ब्रेक लगेगा, गरीब लोगों को न्याय मिलेगा। इसलिए इस बिल के लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे 2 साल से, पूरी जनता कोशिश कर रही थी, देश की जनता चाहती थी कि लोकपाल बिल आना चाहिए लेकिन 2 साल के बाद भी वो बिल सही बिल नहीं आया। 1 साल से राज्यसभा में वो पड़ा हुआ था, 1 साल हो गया, सिर्फ चर्चा के लिए पड़ा था लेकिन फिर से एक बार सचिन अजून जरा वाइड कर, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने भी लीड लिया, पूरे पक्ष और पार्टी को जगाया और आज
सभी पक्षों और पार्टियों ने समाज और देश के भलाई के लिए इसको सपोर्ट किया, मैं उनका धन्यवाद देता हूं। मुझे विश्वास है अभी दोनों तरफ बिल बन गया है, पास हो गया। अभी आचार संहिता लगने के पहले इसका कानून बनाना चाहिए। तो जनता के तरफ से हमारी विनती रहेगी, कानून बनाने के लिए क्या एक डेढ़ दो महीना के अंदर कानून बन जाएगा। तो ऐसे कानून अगर ये आचार संहिता से पहले लग जाए, तो कानून बना दिया जाए, तो देश के जनता को पता चलेगा कि इस कानून में क्या क्या आया है। आज टीवी पर से तो उनको पता चलता है, लेकिन कानून का जब उनके हाथ में ड्रॉप आ जाएगा तो छोटी छोटी बातें भी उनको पता चलेगा क्या क्या है। दूसरा, रालेगन सिद्धि परिवार, रालेगन सिद्धि परिवार ने पिछले 8 दिनों से इतना मेहनत किया, इतना मेहनत किया, पूरे लगे हुए थे लोग। तो मैं रालेगन सिद्धि परिवार को धन्यवाद करता हूं। और देश में बड़े पैमाने पर जिन्होंने अनशन किया, आंदोलन किया, आज भी चल रहा है, उन देश के सभी आंदोलनकारियों के लिए भी मैं धन्यवाद करता हूं कि पूरे देश में उन्होंने ये आंदोलन किया। आपने देखा है यार, ये आंदोलन चल रहा है, किसी का भी बड़ा डोनेशन नहीं है, किसी ने उद्योगपति ने विदेश से किसी का भी इसको फंड नहीं है, कोई डोनेशन नहीं है, फिर भी रालेगन सिद्धि के परिवार के हिम्मत से अनशन शुरू हो गया, तब से आने वाले लोगों को खाना दिया जा रहा है, आने वाले लोगों को यह नाश्ता दिया जा रहा है, किसी का भी डोनेशन नहीं, लोगों ने चंदा इकट्ठा किया। और यहां आने वाले कई लोगों ने 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया ऐसे यहां आंदोलन के लिए दिया है। कल दोपहर तक मुझे पता चला था कि 1.5 लाख रुपया इकट्ठा हुआ, उसका भी हम अभी हिसाब बना रहे हैं कि 1-1 रुपया का जनता को हिसाब देंगे, वो नेट पर डाल देंगे, दुनिया ने देखना है। अभी ये सामियाना, ये मंडप लगा है, इसका खर्चा ही 1 लाख से ज्यादा है। तो आपके जानकारी के लिए मैं ये बताया था, यहां अनशन शुरू होने के बाद पूना से नोबल हॉस्पिटल, ससुन हॉस्पिटल, अहमदनगर के सिविल हॉस्पिटल, इनके डॉक्टर्स यहां हमेशा सवेरे, दोपहर को, शाम को मेरे स्वास्थ्य के लिए जांच कर रहे थे। तो मैं उनके लिए धन्यवाद करता हूं जिन डॉक्टरों ने ये प्रयास किया है। दिल्ली के एक आचार्य है, आचार्य, उन्होंने एक अपने आदमी को यहां भेजा, मेरा टामियाना क्यों रह गया, डॉक्टरों का प्रयास और दिल्ली से नेचुरोपैथी का जो आदमी आया है, मुझे
एनिमा मड ब्लॉक मसाज रोज सवेरे मसाज, इसके कारण मेरा स्टैमिना रह गया है। ये डॉक्टरों ने जो प्रयास किया मैं उनके लिए भी धन्यवाद करता हूं। मीडिया ने जो काम किया, एक छोटे से गांव से पूरे देश के लिए एक मैसेज देने का काम किया, सही लोकशाही का चौथा जो खंभा है वो मजबूत होना चाहिए लोकशाही मजबूत करने के लिए, वो काम मीडिया ने भी यहां किया, मैं उनके लिए भी धन्यवाद करता हूं।